राग वृंदावनी सारंग में एक बंदिश। बन बन ढूंढन जा इसका नोटेशन है और कैसे इसको एक एक नोटेशन के साथ पूरी सफाई से हम समझ पाएंगे। नोटेशन स्क्रीन पे आएगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। सा सा रे सा नी म प ब र ब न ध ध न रे म प ज पूरी लाइन का नोटेशन। सा सा रे सा नी म प रे म प ब न ब न ध ध न ज सा सा रे सा नी म प रे म प। दूसरी लाइन म ब सा नी प म रे की त हूँ छी प ग ए म प सा नी प म रे रे म प नी प म रे सा की कृष्ण मुरारी रे म प नी प म रे सा कृष्ण मुरारी की तहूँ छी प ग ए कृष्ण मुरारी म प सा नी प म रे रे म प नी प म रे सा प र ब न ढूंढन स्थाई का हो गया। एक बार फिर से नोटेशन पढ़ देता हूँ मैं। सा सा रे सा नी म प रे म प ब र ब न ढूंढन जा म ब सा नी प म रे रे म प नी प म रे सा
ये बंदिश खाली से यानी नाइंथ मात्रा शुरू होती है। बना बना ढूंढन जाया, लेकिन अंतरा शुरू होता है सम से, तो बन बन ढूंढन बोलने के बाद अंतरा शुरू करना है। बना बना ढूंढन शीश मुकुट और तान कुंडला पपनी पनी सरे नी सा शीश मुकुट पपनी प, जिस नी के बाद प आएगा वो नी कोमल होगी, है ना। औरो में नी कोमल, आरो में नी शुद्ध। आरो में नी शुद्ध का मतलब जिस नी के बाद सा आएगा कार सप्तक का वो नी शुद्ध होगा। तो यहाँ नी कोमल है जब लौट के प की तरफ आ रहे हैं। शीशम पुट और ये नी शुद्ध है और तान कुंडल म प प नी प नी नी सा सा रे नी सा सा कानन कुंडल सा रे नी सा सा नी सा रे म रे रे सा सा प सी धर मन नी सा रे म रे रे सा सा नी सा रे म रे रे सा सा प ची धर मन नी सा रे सा नी सा नी प रंग फिरत गिर नि सारे सनी सनी परंग फिरत गिर मबनी सारे मर सनी सारे सनी सनी प धारी। इसको धीरे धीरे करते हैं फिर डबल में बोलेंगे। मबनी सारे मर सनी सारे सनी सनी प, जो चीज मुश्किल होती है वो दरअसल मुश्किल नहीं होती, उसकी रिक्वायरमेंट प्रैक्टिस की ज्यादा होती है, ज्यादा प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है। तो बार बार करेंगे तो फिर ये याद हो जाए। म प नी सा रे म रे सा नी सा रे सा नी सा नी प म ब नी सा रे म ब नी सा रे म रे सा नी सा रे सा नी सा नी प धारी बना बना ढूंढन जा। एक बार पूरी अंतरे की नोटेशन से बोलता हूँ। शीश मुकुट और कानन कुंडल म प प नी प नी नी सा 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 रे नी सा सा नी सा रे म रे रे सा सा ब सी धर मन नी सा रे सा नी सा नी प रंग तो इस धारी को तीन बार भी बोल सकते हैं या सिर्फ एक बार बार बोल सकते हैं, क्योंकि ये नाइन मात्रा सोल है। धारी बन धारी बन बन ढूंढन जाया हूँ बन बन ढूंढन जाया हूँ बन बन ढूंढन शीश मुकुट और कानन कुंडल बसी धर रंग फिरत गिर धारी 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 बन बन ढूंढन जाया।
इन उंगलियों का बहुत महत्व है, 16 बीट्स का पूरा हिसाब बताती है, कहीं भी कोई गलती हो जाए तो यहाँ पता चल जाएगा। तो इसका जरूर इस्तेमाल करें शुरुआत के दिनों में, जब तक कि आपको तबले के बोल सुन करके स्पष्ट रूप से पता नहीं चलता कि कहाँ खा लिया गया कहाँ सम है। वैसे सबसे अच्छा होता है कि सुन करके पता चल जाए कि ये खाली है, ये सम है, दूसरी ताली है, तीसरी ताली है ना। तो एक ताम जो मैंने बोला था उसका फिर से लास्ट में प्रैक्टिस करेंगे, तो उसके बाद इस वीडियो को खत्म करेंगे। रे म बम रे म रे सा, इसको रिपीट करना है। रे म बम रे म बम रे म बम रे म रे सा सा म पानी प म पानी प म पानी प म बम रे। रे म बम रे म बम रे म बम रे म रे सा म पानी प म पानी प म पानी प म बम रे। सा सा नी 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 प म प प म रे म म रे सा नी को मले छे। सा सा नी 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 प म प प म रे म म रे सा नी सा नी सा रे सा रे म रे म प म रे म रे सा 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 नी प म प रे म प प सा सा नी प म प रे म प प सा सा नी प म प रे म प म ना बा ना जू। तो थोड़ी लय बढ़ने के बाद ये ताने बहुत अच्छी लगेंगी, इसको देखते हैं 190 पे करके। प्रैक्टिस के लिए बार बार उसको दोहराना बराबर की लय में, बराबर की लय में एक गुण लय में या ठा लय में, उसको स्लो में प्रैक्टिस करना चाहिए। रे म प म रे म प म रे म प म रे म रे सा, जब ये चलन याद हो जाएगा तब हम तीव्र गति से इसको बोलने के लायक हो जाएंगे। रे म बम रे म बम रे म बम रे म रे सा म रे बम बने बम बने बम बम रे। तानों में सबसे ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है और उसके रिमार्क्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं, इसलिए वहाँ बहुत ज़्यादा श्रम करने की, साधना करने की ज़रूरत है। उम्मीद है ये बंदिश संगीत के सारे अभ्यासी छात्र या जो भी पसंद करने वाले गुणीजन हैं वो सीख पाएंगे। अगर इससे आपको सीखने को मिलता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटेशन जगह जगह पे आपको मिलेगा और भरपूर तानों के लिए मुझसे संपर्क करें। मैं तान और अलाप जिससे बंदिश की गावट होती है, जिसको जिससे बंदिश को सजाया जाता है, वो किसी टीचर के किसी गुरु के माध्यम से ही अच्छा रहता है सीखना। तो बंदिश सीखने के लिए इस वीडियो के माध्यम से सीख सकते हैं।